अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और अभी मैं बाहर जा रहा हूँ सुमैरा को लेके, क्योंकि उसके जो नीचे वाली दाढ़ है उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और रात से हो रहा है, लेकिन रात को जैसे तैसे करके गुजर गई। लेकिन अभी डॉक्टर के पास जाऊँगा और अब देखते हैं कि डॉक्टर दाढ़ को निकालता है या उसको रखता है। ये तो डॉक्टर को भी पता होगा या दाढ़ को पता होगा। तो अभी चलते हैं डॉक्टर के पास और देखते हैं कि आगे क्या डॉक्टर कहता है और व्लॉग में आगे क्या क्या बनता है। तो साथ रहिएगा, इंशाल्लाह साथ रहते हैं। तो गाइस हम लोग डॉक्टर के पास आ गए। अब डॉक्टर चेक कर रही है सुमैरा को, अब देखो कि दाढ़ निकलती है या वो कहती है कि मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि मेडिसिन से ठीक होगा, क्योंकि जिस तरह इसको दर्द हो रहा था तो इसको लग रहा था कि दाढ़ इसकी निकलेगी और दर्द भी दाढ़ में ही हो रहा था। तो लेट्स सी, देखते हैं कि दाढ़ रहती है या नहीं रहती, या तो फिर आज दाढ़ रहेगी या फिर दाढ़ नहीं रहेगी। और मैं पीछे बैठ के वीडियो बना रहा था इसलिए कुछ बोल नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो डॉक्टर अभी चेक करिए, सुकून से डॉक्टर को चेक करने दो। तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा और इस वक्त डॉक्टर जो है वो एक्सरे लिख के दे रही हैं और मेडिसिन लिख के दे रही हैं। अब हम जाएंगे, मेडिसिन लेंगे और फिर देखो क्या होता है। तो गाइस हम लोग अभी डेंटल के पास से निकले और डेंटल ने बोला है कि भाई दाढ़ निकलेगी, है भाई दाढ़ निकलेगी, तुम्हारी दाढ़ निकलेगी और अभी एक्सरा करवाना है और मेडिसिन उन्होंने लिख के दी है। तो पहले मेडिसिन ले लेते हैं और एक्सरा भी करवा लेते हैं, फिर देखते हैं आगे और क्या होता है। तो भाई ये गली के अंदर एक पेटिस वाले आए हैं और बड़े अच्छे पेटिस हैं इनके पास, ताज़े। और यहाँ तक इनका मुझे फील हो रहा है कि गर्म पेटिस हो रहे हैं। यार ये कहाँ से लेकर आते हो आप ये पेटिस? सिंधी होटल से, न्यू कराची। सिंधी होटल न्यू कराची से? आपको ले सकता हूँ वीडियो में? यार वैसे फेंकने नहीं है बस। नहीं नहीं भाई बेफिक्र हो जाओ यार, वैसे रेट बेट से ये आपके इंशाल्लाह हम खा के देखेंगे पेटिस और फिर बताएँगे कि पेटिस कैसे हैं। और ये आप इधर ही मतलब इसी इलाके में नाजाबाद के एरिया में होते हो या आगे भी? आगे भी जाते हैं, न्यू कराची मतलब गोलीबार, लियारी गार्डन। अच्छा, ये पीछे जगताबाद, लालू खेत। ज़बरदस्त, ये तुम्हारा जरा वो तो चलाओ जो इस पे आपने लगाया हुआ है साउंड। चलो भाई अभी सुनना जरा, भाई को भी दो, मुन्ने को भी दो, बाजी को भी दो पेटिस, गरम पेटिस। आए अब्दुर्रहमान पेटिस वाला, पेटिस गरम पेटिस। आए अब्दुर्रहमान पेटिस वाला, चिकन पेटिस, खस्ता पेटिस, मिर्ची पटाटे जायके वाले। आए अब्दुर्रहमान पेटिस वाला, पार्सल का खास इंतजाम है भाई। चिकन पेटिस, खस्ता पेटिस, मिर्ची पटाटे जायके वाले। आए अब्दुर्रहमान पेटिस वाला, पार्सल का खास इंतजाम है भाई को भी दो, मुन्ने को भी दो, बाजी को भी दो पेटिस, गरम पेटिस। आए अब्दुर्रहमान पेटिस वाला। तो ये पेटिस मैंने लिए तीन, जिसमें दो आलू के एक चिकन के, और इसको अब मैं करूंगा ट्राई और फिर मैं बताता हूं कि ये कैसा है। तो पहले कर रहा हूं मैं चिकन का, सही है, अच्छा है चिकन वाला। और अब मैं ट्राई करने वाला हूं आलू का। कॉल आ गई बीच में, आलू का बेहतर है, गुजारा है बस। चिकन का थोड़ा अच्छा है। अब ये खाता हूँ फिर उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। और गाइस मैंने पेटिस खाए, उतने मज़े के नहीं थे लेकिन फिर भी खाने पड़े क्योंकि पैसे के लिए थे इस वजह से, और इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए इस वजह से खाने पड़े और मैंने फिर खाए। तो व्लॉग का कर रहा हूँ मैं अब एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।